हेलो, यूपीएससी ज्ञान दायिनी के इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे आज वो है ताम्र ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ठीक, कल हम लोगों ने बात की थी पाषाण काल के बारे में, तो आज हम लोग बात करेंगे ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्या होती है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति वो संस्कृति होती है जिसमें हम लोग पत्थरों के साथ साथ तांबे का यूज करना भी हम लोग सीखते हैं। तांबे का यूज भी हम लोग करने लगते हैं, तांबे के बारे में हम लोग जानने लगते हैं, तांबे का यूज होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तांबे का भी यूज होने लगता है, ठीक है। तांबे का यूज होने लगता है, इसी को कहते हैं हम लोग ताम्रपाषाणिक संस्कृति। अब आइए हम लोग थोड़ा सा ताम्रपाषाणिक स्थल के बारे में हम लोग जान लेते हैं अच्छे से, बस बहुत ज्यादा नहीं, बस यही 2-5 मिनट में। देखिए, मुझे इतना अच्छा मैप बनाना आता नहीं है, फिर भी मैं एक बार ट्राई कर रही हूँ। एक बार और, थोड़ा थोड़ा बन गया है ना। तो ये अपना इंडिया का मैप है ना, ये इंडिया का मैप है। हम लोग आज मैप के द्वारा जानेंगे कि ताम्रपाषाणिक स्थल वैसे तो पूरे इंडिया में छाए हुए थे ताम्रपाषाणिक स्थल, जो मेन स्थल है। आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे जो एग्जाम के पैटर्न से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से आते हैं। ये अपना हो गया गुजरात हो गया है ना, ये यहाँ पे ये राजस्थान, ठीक। राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में जो हम लोग ताम्रपाषाणिक जो स्थल हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वो है बनास, आहार, ठीक है। जो ताम्रपाषाणिक स्थल हैं वो है बनास, आहार और बागौर, ठीक। ये ताम्रपाषाणिक स्थल कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। राजस्थान में ताम्रपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं? बनास, आहार और बागौर। जो ये इसमें आहार है ना, ये जो इसमें जो आहार है, ये इसको इसको क्या कहते हैं? तांबा का केंद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऐसे नहीं लिखते हैं, ये जो आहार है ना, इसको तांबे का केंद्र कहा जाता था, तांबा का केंद्र। यहाँ पे तांबा बहुत ही ज्यादा पाया जाता था, बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या पाया जाता था? तांबा आहार में। तो इसको क्या बोला जाता है? तांबे का केंद्र, अर्थात इसको बोला जाता था ताम्बवती, ताम्बवती। इस क्षेत्र को, आहार को ताम्बवती बोला जाता था। तो ये जो पूरी संस्कृति थी ना राजस्थान की, इस पूरी राजस्थान की संस्कृति को हम लोग जो राजस्थान की जो संस्कृति थी, इस संस्कृति को हम लोग जानते थे किस नाम से? इसको जानते थे हम लोग बनास के नाम से, बनास संस्कृति। ये जो राजस्थान में जो ताम्र संस्कृति जो पनपी थी, उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? बनास संस्कृति के नाम से जानते थे, जिसमें कौन कौन से स्थान थे? बनास, आहार और बागौर। और इसमें क्या, आहार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तांबा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, तो इसको क्या कहा जाता था? ताम्बवती कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तांबा पाया जाता था, ठीक है। इस क्षेत्र को ताम्बवती कहा जाता था। अब हम लोग अगली जो बात, अगला जो क्षेत्र है, तो हम लोग अगले क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश पाया जाता है, मध्य प्रदेश स्थित है, है। तो मध्य प्रदेश के जो स्थल हैं, जो मध्य प्रदेश में जो स्थल हैं, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको कायथा, नवदा टोली और मालवा, ठीक। ये जो मध्य प्रदेश के जो स्थल हैं, तो इन मध्य प्रदेश के जो स्थल होते थे उनको, उनमें कौन कौन से है? एक कायथा है, दूसरा नवदा टोली है, और तीसरा कौन सा है? मालवा है। यहाँ ये कहाँ पाए जाते थे? मध्य प्रदेश में पाए जाते थे। तो ये जो मालवा है ना, मालवा ये जो है चरखे के लिए, यहाँ पे सबसे पहले जो चरखा जहाँ पाया गया था, जो चरखे का विकास हुआ था, चरखा जहाँ बनाया गया था, तो वो कहाँ पाया गया था? चरखे का विकास कहाँ हुआ था? मालवा में ही हुआ था। तो चरखे का विकास मालवा में था, और मालवा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ओके। और इसमें एक एक जो है
कायथा, वो यहाँ पे जो कायथा है ये किलेबंदी के लिए बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे किले, मतलब कि यहाँ पे किले का मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनी हुई थी, बनी थी कहाँ पर, कायथा में। कायथा में क्या हुआ था, बनी बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनी हुई थी। और कायथा कहाँ का है, ताम्रस्थल, वो है मध्य प्रदेश का। ठीक, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। बात कहाँ की, राजस्थान की हो गई, मध्य प्रदेश की हो गई। अब आगे हम लोग आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो अगला स्थल है ताम्रपाषाणिक का, वो है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में कौन कौन से स्थल थे, तो महाराष्ट्र में थे दैमाबाद, जारवे, दैमाबाद, ठीक है, जारवे, और कौन सा था, इमा, और इनाम गांव। दैमाबाद, जारवे, इनाम गांव और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही मेन है, उसको बोलते थे निवासा। ये जो है चार स्थल जो थे, ये चार स्थल महाराष्ट्र के थे, उसमें से कौन कौन से थे, तो ये दैमाबाद, जारवे और इनाम गांव और निवासा, ये चार स्थल कहाँ कहाँ के थे ताम्रपाषाणिक, ये चार स्थल थे आपके महाराष्ट्र के थे। तो ये जो दैमाबाद है, इसकी विशेषता जान लेते हैं हम लोग। ये जो दैमाबाद है, ये जो है सबसे बड़ा स्थल था ताम्रपाषाणिक, सबसे बड़ा स्थल था कहाँ का, महाराष्ट्र का। जो दैमाबाद था, ये सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल था। और सबसे जो पुराना पटसन कहाँ पाया जाता है, निवासा में। सबसे जो पुराना पटसन होता है वो कहाँ पाया जाता है, सबसे पुराना पटसन, पटसन जानते होंगे ना आप लोग, पटसन तो आप लोग जानते ही होंगे, जो गांव में सनई बोली जाती है, अब नहीं होती है शायद, पहले बहुत होती थी। तो ये जो पटसन होता था, पटसन सबसे पहले कहाँ पाया गया था, निवासा में, महाराष्ट्र के निवासा में सबसे पहले पटसन यहीं पे पाया गया था। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं जारवे। ये जो जारवे है, यहाँ पे सबसे कांसा, जारवे में क्या पाया गया था, कांसा पाया गया था। ओके, अब जो इनाम गांव है तो यहाँ पे क्या पाया गया था, यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति पाई गई थी। ठीक, इनाम गांव, यहाँ पे क्या पाया गया था, मातृ देवी की जो है मूर्ति पाई गई थी, इनाम गांव में मातृ देवी की मूर्ति पाई गई थी। तो ये जो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाणिक काल में जो संस्कृति पनपी थी, जो जिसकी उपज हुई थी, जो उसका क्या नाम था, जारवे संस्कृति। ठीक, ये आप लोगों को दिखेगा नहीं, इसको जारवे संस्कृति बोलते हैं, जारवे संस्कृति। ये कहाँ की है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जारवे संस्कृति पाई गई, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं महत्वपूर्ण, ये दैमाबाद है, दूसरा जारवे है, तीसरा इनाम गांव है, और ये चौथा निवासा है। निवासा में क्या पाया गया था, निवासा में सबसे पुराना पटसन पाया गया था, इनाम गांव में मातृ देवी की मूर्ति इनाम गांव में पाई गई थी, और जारवे में कांसा पाया गया था, और दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है ताम्रपाषाणिक काल में महाराष्ट्र में। दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। ओके, हम लोग बात कर लेते हैं, एक क्षेत्र है अपना बिहार में क्या हुआ था, बिहार का जो ताम्रपाषाणिक स्थल है वो चिरांद है। ठीक, ये क्वेश्चन आता है कि चिरांद कहाँ का ताम्रपाषाणिक स्थल है, तो वो आप लोग याद रखिएगा, वो है बिहार का। ठीक, तो आपके ये ताम्रपाषाणिक स्थल यहीं से खत्म हुए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको लगा वो हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो इससे बाहर इनफैक्ट नहीं आएगा, ये बात तो एकदम दावे के साथ हम कह रहे हैं, जो ताम्रपाषाणिक स्थल में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आगे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता। आप लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता
का नाम सबसे पहले किसने रखा था, सिंधु सभ्यता का नाम सबसे पहले किसने रखा था, तो सिंधु सभ्यता का जो नाम है वो सबसे पहले जॉन मार्शल साहब ने सिंधु सभ्यता का नाम दिया था सबसे पहले। ठीक, जॉन मार्शल साहब। इसका जो कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 के हिसाब से जो समय है कौन सा है, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। जो सिंधु सभ्यता का जो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो टाइम है वो है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। और जो सिंधु सभ्यता का नाम किसने रखा था, तो वो रखा था जॉन मार्शल साहब ने रखा था। ओके, जॉन मार्शल साहब ने सिंधु सभ्यता। अब इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कुछ स्थल, जो इसके कुछ स्थल थे वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए थे। इसके जो कुछ स्थल थे वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए थे। इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में सिंधु सभ्यता का पहला स्थल खोदा गया था। पहला स्थल कहाँ मिला था, वो हड़प्पा नामक स्थान पर मिला था, तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो सरस्वती है ना, सरस्वती नदी, जो सरस्वती नदी है इसको उस नाम से भी जाना जाता है। तो सरस्वती सभ्यता इस नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ये एक लुप्त नदी है, लुप्त नदी है। ठीक, ये एक लुप्त नदी है क्योंकि यहां पर सरस्वती नदी के किनारे सर्वाधिक हड़प्पा के स्थल पाए गए थे। सबसे ज्यादा कहां जो स्थल पाए गए थे वो सरस्वती नदी के किनारे ही पाए गए थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम सरस्वती सभ्यता भी रखा गया है। क्या रखा गया, सरस्वती सभ्यता भी रखा गया है। अब इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं, इसके बारे में बात जान लेते हैं। घोड़ा, घोड़ा यहाँ पे इसकी, इसके अवशेष तो मिले हैं, इसके घोड़े की अस्थियां तो मिली हैं। घोड़ा सिंधु सभ्यता में घोड़ा की अस्थियां तो मिली हैं, अस्थियां मिली हैं, लेकिन क्या नहीं मिला, इसकी कहीं भी चित्रकारी घोड़े की नहीं मिली है, चित्रकारी नहीं मिली है, नहीं मिली है कहाँ, घोड़े की। ठीक है, और अस्थियां इसकी कहाँ मिली है, तो ये सुरको डटा। ठीक है, सुरको डटा यहाँ पर इसकी घोड़े की अस्थियां मिली है। ये गुजरात में है, सुरको डटा कहाँ पे है, गुजरात। सुरको डटा इस टाइम गुजरात में है, यहाँ पे घोड़े की अस्थियां मिली है लेकिन कहीं भी घोड़े की चित्रकारी नहीं मिली है। ये लोग, ये आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला हो जाता है। तो इसकी चित्रकारी घोड़े की कहीं नहीं मिली है, घोड़े की अस्थियां मिली हैं, और वो भी घोड़े की अस्थियां कहाँ मिली, वो सुरको डटा में मिली है। सुरको डटा कहाँ, इस टाइम गुजरात में है। आप लोगों को उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ का समाज कैसा था, जो ये सिंधु सभ्यता है इसका समाज कैसा था। तो इसका जो समाज था वो था मात्र सत्तात्मक, इसका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का वर्चस्व था, ऐसा इतिहासकारों ने जो है लिखा है, तो हम लोगों ने भी वही पढ़ा है कि यहाँ पे मात्र सत्तात्मक समाज था, यहाँ पे महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा था। ये ऐसी सभ्यता है, ये ऐसी सभ्यता बहुत ही कम मिलती है। ठीक है, तो मात्र सत्तात्मक समाज था यहाँ पे। एक और बात, यहाँ इस सभ्यता में मंदिर, आइए जान लेते हैं हम लोग इसे धार्मिकता के बारे में, धार्मिकता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मंदिर कहीं भी नहीं मिले हैं। ये एक बहुत ही हेड लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पे मंदिर नहीं मिले हैं कहीं भी इस सभ्यता में, मंदिर नहीं मिले हैं। हाँ, लेकिन मूर्तियां मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है मंदिर इसमें कहीं भी नहीं मिले, मंदिर मेसोपोटामिया में मिले हैं लेकिन यहाँ पे क्या मिले, मूर्तियां मिली हैं। ठीक, यहाँ पे मूर्तियां मिली, मात्र देवी की मूर्तियां मिली हैं। तो इससे ये अनुमान एक लगाया गया कि यहाँ पे मात्र सत्तात्मक समाज था और यहाँ पे मूर्तियां मिली हैं। तो यहाँ पे मूर्तियां मिली पर लेकिन मंदिर कहीं नहीं मिले, मंदिर मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिले। और जो घोड़े थे ना, वो घोड़े अपने देश में, अपने देश की उपज नहीं, घोड़े अपने देश में नहीं है, नहीं थे पहले, बल्कि हम तो अकबर के जमाने में भी घोड़े जो है बाहर से ही मंगाए जाते थे, विदेशों से ही मंगाए जाते थे। तो यहाँ पे जो घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, जो उसकी हड्डियां मिली हैं घोड़े की, तो वो भी फारस, ईरान, मेसोपोटामिया से ही मंगाई गई हैं। ये अपने देश में घोड़े नहीं होते थे पहले। ओके, घोड़े अपने देश में पहले नहीं होते थे, थे ही नहीं यहाँ के। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, मोहन जोदड़ो और हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, आपने इनका नाम तो बहुत ही अच्छे से बखूबी सुना होगा। तो ये क्या है, ये एक दोनों विसरित साम्राज्य, ये क्या है विसरित साम्राज्य की जुड़वा, विसरित साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं, जुड़वा राजधानियां हैं ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है ये विशिष्ट साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं दोनों, ठीक है, दोनों विशिष्ट साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। ओके, और एक बात, ये जो मोहनजोदड़ो है, अगर कोई ये पूछे कि यूनेस्को में वैदिक मतलब सिंधु सभ्यता का यूनेस्को में पहला जो है स्थल कौन सा शामिल किया गया था, तो यूनेस्को में जो पहला स्थल शामिल किया गया था वो है मोहनजोदड़ो, वो कौन सा है मोहनजोदड़ो, ठीक, ये कहाँ का है यूनेस्को में पहला, यूनेस्को में शामिल पहला स्थल, शामिल पहला स्थल। ओके, और अगर ये पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा स्थल है जो यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो जो भारत का स्थल है, जो भारत का स्थल है वो कौन सा है, धौलावीरा, धौलावीरा ये भारत का, ये भारत का जो है पहला यूनेस्को में शामिल स्थल है भारत का, ये है धौलावीरा। इसकी एक विशेषता है कि सभी जो है स्थल हड़प्पा सभ्यता के वो दो भागों में बटे होते थे, लेकिन इसकी कौन सी विशेषता है, ये तीन भागों में बटा हुआ था, ये तीन भागों में बटा था ये इसकी विशेषता है, ठीक। तो हड़प्पा जो भारत का पहला जो है यूनेस्को में जो शामिल स्थल था हड़प्पा का, वो है धौलावीरा, जो अभी रिसेंटली बहुत दिन नहीं हुए उसको, अभी जल्दी ही इसको शामिल किया गया, एक जस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन था, अभी पिछली बार भी पेपर में, कई पेपर में पूछा गया है। तो ये आपका हमने बहुत ही एक छोटा सा परिचय दिया है एक इसके हड़प्पा सभ्यता के बारे में, बाकी जो प्रमुख स्थल हैं और उनमें क्या क्या पाया गया, उनकी क्या 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 उन स्थलों के अंदर था और कैसी सभ्यता थी, उनके अंदर क्या क्या पाया गया है जो पेपर की दृष्टि से पूछे जाते हैं, उसकी बात हम लोग कल करेंगे। आज बस यही छोटा सा परिचय था जो हमने आप लोगों को दिया है सिंधु सभ्यता के बारे में। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है और कल हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता में क्या पाया गया, कहाँ कैसे समाज था, कैसे लोग रहते थे, कैसी वहाँ के घर बने हुए थे, वहाँ कैसी सब कुछ उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कल जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहीं तक रखते हैं, बात करते हैं कल, मिलते हैं कल, ठीक है। तो चलिए, ठीक।